क्या निकला खून? दर्द नहीं हुआ? दर्द तो नहीं हुआ आपको? मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। आने दो पापा को, पापा को आने दो। आपकी पोटी से ब्लड निकला है, आपने देखा है? मैं जब मर जाऊं मेरा भी मैं अल्लाह के पास ला दूंगा। अल्लाह नहीं 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 ऐसा नहीं करते हैं। तो आप उल्टी सीधी चीजें क्यों खाते हो? उल्टी उल्टी चीजें खाते हो ना, गंदी गंदी चीजें खाते हो ना, तो कब्ज हो गया? मैंने अल्लाह ताला के बाथरूम में बैठ के माफी मांग दिया। क्या बोला? बोला अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज ऐसा बोला। अल्लाह से बोला है? अब तेज बोलो फिर अल्लाह माफ करेगा। अभी अजान हो रहा है ना, अभी बोल दो। नहीं नहीं आप अजान हो रहा है ना, अभी अल्लाह से बोलो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह बच्चों को दुआ सुनता है। मांगो आप मुझे माफ कर दे, मैं आएंगे आपके साथ, ऐसा नहीं दूंगा मैं आपके साथ भी उल्टा सीधा नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दे। दुआ पढ़ो के बाद सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेज पढ़ो ना, अल्लाह की आवाज नहीं आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुआ मांगो अल्लाह पाक से, नमाज भी पढ़ूंगा, सारा कुछ बोलो। मैं नमाज भी पढ़ूंगा सारा। तो क्या वाशरूम में तो पोटी करने गए थे ना आप, तो फिर क्या हुआ अचानक से, क्यों रो पड़े? चूते खून निकला था इसलिए रो पड़े। उंगली से चलो अल्लाह से माफी मांग लो एक दफा दिल से। अल्लाह मुझे माफी, ऐसे तो अल्लाह माफी नहीं करेगा, रो के माफी मांगना पड़ता अल्लाह से। अल्लाह मुझे माफ, इधर देख के बोलो अल्लाह मुझे माफ कर दे। सही माफ मांगो। रोने का स्टाइल सुनो।